हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सभी। वेलकम है आप सभी का मेरे सही यूट्यूब पे। तो दोस्तों, आप सभी के लिए जो है मैंने एक इन्फॉर्मेशन, ये है कि जो भी बच्चे आईटीआई पास आउट हैं या आईटीआई के साथ साथ डिप्लोमा भी करना चाहते हैं, या 10th पास आउट हैं और 10th पास आउट होके आप लोग डिप्लोमा करना चाहते हैं, या 12th पास आउट हैं और 12th करने के बाद आप जो है डिप्लोमा करना चाहते हैं वो भी बिहार से, तो इसके लिए जो है फॉर्म जो है आउट हो चुका है, यानी आज से जो है आप लोगों का फॉर्म अप्लाई शुरू हो जाएगा। मैं आप लोगों को दिखा रहा हूं कि जो मैंने साइट सर्च किया है, आप लोग भी सर्च कर सकते हैं, DCEC बिहार, है ना। जैसे ही आप इस साइट को सर्च कीजिएगा तो पहला जो ऑप्शन आपके पास आ रहा है बिहार एंट्रेंस एग्जामिनेशन बोर्ड, इस पे आपको करना है क्लिक। जैसे ही आप इस पे क्लिक कीजिएगा तो आपके पास यहाँ पे बहुत सारी ऐसी चीजें नजर आ रही हैं जिससे आप लोगों को देखने में आ रहा होगा, बहुत सारी चीजें यहाँ पे आप लोगों को नजर भी आ रही होंगी। डेट एंड एमओ करके है, इंपोर्टेंट नोटिफिकेशन रिगार्डिंग डिप्लोमा कोर्स गवर्नमेंट प्राइवेट मेडिकल कॉलेज, आप यहाँ पे दो नंबर पे देख रहे हैं, लिखा है इंपोर्टेंट नोटिस रिगार्डिंग फिलिंग अप ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म फ्रेश एमओपी, है ना। जैसे आप इसको क्लिक कीजिएगा तो एमओपी वाला जो है आपका नहीं है, अपना जो होएगा, हाँ एमओपी वाला जो है आपको नहीं देना है, आपको जो देना है वो कौन सा देना है मैं आपको यहाँ पे बता देता हूँ। थोड़ा सा इसको मैं पीछे ले चलता हूँ, इसको जब हम लोग ऊपर करेंगे तो आप यहाँ पे देख रहे हैं डेट एंड टाइम एमओपी फिलिंग, और नीचे वाले पे सेकंड वाले पे देखिएगा लिखा हुआ है कि इंपोर्टेंट नोटिस रिगार्डिंग फिलिंग अप ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म फॉर DCEC PEPPE और MPPPM 2022, है ना। जैसे ही आप इसको क्लिक कीजिएगा तो आपके सामने एक जो है ये चीज जो है डाउनलोड होके आ जाएगा, और इसी में जो है सारी चीजों के बारे में बता रखा है कि आपको डिप्लोमा का जो होगा कैसे आप इसको अप्लाई कर सकते हैं, कैसे जो है आप इसको फॉर्म को फिलअप कर सकते हैं, कैसे सारी चीजों को यहां से आप जो है कर सकते हैं। क्लियर है ये चीज। तो मैं इसको जो है डाउनलोड करके सीधा आप लोगों को दिखा देता हूं, और इस पे मैं जो है लिख के बता दूंगा आप लोगों को कि कैसे कैसे चीजें होंगी, ये होंगी, और आप जो है कैसे इन चीज को अप्लाई कर पाओगे। तो देखो मैंने यहाँ पे जो है डाउनलोड कर रखा है, आपको भी डाउनलोड कर लेना है, आप भी डाउनलोड कर लीजिएगा ताकि आपको पता चले। तो मैं यहाँ पे थोड़ा सा इसको जूम आउट कर देता हूँ ताकि जूम करने से थोड़ा सा आप लोगों को चीजें जो है अच्छे से समझ में आ जाएंगी और सही से सारी चीजें जो है आप लोग यहाँ पे देख पाओगे, ठीक है। तो सबसे पहले मैं अगर आप लोगों को यहाँ से बातें करूं तो आप यहाँ पे दिख रहे हैं बिहार संयुक्त प्रवेश परीक्षा, जो कि आज से जो भाई अप्लाई होना चालू हो गया है। वेबसाइट आप यहाँ पे देख ही रहे हैं कि इसकी जो है ऑफिशियल वेबसाइट ये है www. वेबसाइट आप यहाँ पे देख लीजिए, लिखा हुआ है BCECBBoard.bihar.gov.in, है ना। तो ये जो 8 तारीख से ही जो है ये नोटिफिकेशन जारी कर दिया गया है, लेकिन आज से जो है ये फॉर्म अप्लाई होगा। लिखा है कि डिप्लोमा सर्टिफिकेट प्रवेश परीक्षा 2022 पॉलिटेक्निक अभियंत्रा पार्ट टाइम 4 वर्षीय पॉलिटेक्निक अभियंत्रा पारामेडिकल इंटरमीडिएट स्तरीय पारामेडिकल माध्यमिक स्तरीय, यानी आप पारामेडिकल का भी यहां से फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं। तो ये सारी चीजें हैं, आप एक बार अपने से डाउनलोड करके सारी चीजों को पढ़ लीजिएगा। फिर भी मैं आप लोगों को बताना चाहूंगा कि जो भी बच्चे 10वीं पास हैं, यानी 10वीं पास आउट हो चुके हैं, तो वो जो है इसको अप्लाई कर सकते हैं, यानी आप लोग पॉलिटेक्निक में अप्लाई कर सकते हो। अगर आप 12th पास आउट हैं, अगर आपने 12th कर लिया है तो भी आप जो है इसको अप्लाई कर सकते हैं। अब बहुत सारे बच्चों का कंसर्न ये होगा कि अगर मैंने CBSE से हूं और CBSE वाला जो है अभी एग्जाम चल रहा है या एग्जाम हो गया है, टर्म 2 का एग्जाम अभी भी चल रहा है, तो आप इसको अप्लाई कर सकते हो क्योंकि आप 12th में अपीयर हो, तो अपीयर वाला भी अप्लाई कर सकते हैं। और 10th वाले बच्चे जो इस बार, मान के चलो बहुत सारे बच्चे ऐसे भी होंगे जो CBSE वाले होंगे, तो भी आप अप्लाई कर सकते हो इस फॉर्म को। याद रखना है कि 10th में जो CBSE से हैं वो भी अप्लाई कर सकते हैं, 12th जो CBSE से हैं वो भी अप्लाई कर सकते हैं। और मैं खासा तौर पे ये वीडियो बना रहा हूँ आईटीआई स्टूडेंट के लिए कि आईटीआई वाले बच्चे कर सकते हैं क्या, बिल्कुल आप आईटीआई वाले भी डिप्लोमा का फॉर्म अप्लाई करके आप लोग जो है डायरेक्ट डिप्लोमा में एडमिशन करा सकते हैं। जो बच्चे आईटीआई से करते हैं उनका एडमिशन डायरेक्ट जो है सेकेंड ईयर में होता है, या जो बच्चे 12th से करते हैं पास आउट रहते हैं उनका भी एडमिशन जो है डायरेक्ट डिप्लोमा में होगा, लेकिन सेकेंड ईयर में डायरेक्ट एडमिशन होता है। तो आईटीआई से जो भी बच्चे डिप्लोमा करते हैं 2 साल यानी सेकेंड ईयर में डायरेक्ट एडमिशन, 12th पास आउट जो रहते हैं वो भी उनका डायरेक्ट एडमिशन दूसरे साल में हो जाता है। ऑनलाइन एप्लीकेशन जो है देखिए आज ही से स्टार्ट हो रहा है 15 तारीख से, और ये 7 तारीख तक जो है चलेगा, 7-6 तक जो है ये अप्लाई हम लोग कर सकते हैं, 7 तारीख तक जो है ये चीजें अप्लाई हो जाएंगी और 7 तारीख तक जो है आप इसको अप्लाई कर सकते हो। इसके ऊपर मैं आप लोगों को पूरी वीडियो और भी बना दूंगा कि इसमें कैसे कैसे हमें अप्लाई करना है,
जैसे ही अप्लाई का आता है मैं आपको बता दूंगा। और आप लोग एक चीज याद रखना है कि इसमें फॉर्म जो है ना बहुत रिजेक्ट होते हैं भाई, तो जो भी आप लोग इन्फॉर्मेशन देना, जो भी सारी चीजें आप लोग अपडेट करना, बिल्कुल सोच समझ के देखना, बिल्कुल सारी चीजें अच्छे से देना। मैं इसके ऊपर एक और वीडियो लेके आऊंगा जिसमें मैं आप लोगों को बताऊंगा कि कौन कौन से डॉक्यूमेंट की जरूरत पड़ती है और कौन कौन से डॉक्यूमेंट से आप इस फॉर्म को अप्लाई कर पाओगे। इन्फॉर्मेशन अच्छी लगी होगी तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर प्रेस कर दीजिएगा ताकि मेरी आने वाली अपडेट आप तक मिलती रहे, आप तक जाती रहे। तो चलिए दोस्तों, फिर हम लोग मिलते हैं नई क्लास में, नई वीडियो में, तब तक के लिए थैंक्स दोस्तों।